कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। लेकिन लगता है दिल्ली वालों को ये बात समझ नहीं आ रही है। बीते दिन दिल्ली के कापसहेड़ा थाना इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में शादी समारोह चल रहा था, लेकिन वहां 150 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने वहां मामला दर्ज कर लिया। मामला दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके का है, जहां एक शादी का फंक्शन चल रहा था और कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था, साथ ही काफी मेहमानों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि शादी में पटाखे भी जलाए गए हैं, जिसके चलते दिल्ली पुलिस वहां पहुंची तो देखा वहां 150 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए लड़की वालों के खिलाफ सरकारी दिशा निर्देशों को उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में दूल्हे पक्ष से भी पूछताछ की, लेकिन बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष की तरफ से ज्यादा लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।